नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्य कुमार। आज मैं आपके सामने गिम्प का एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, जिस पे हम देखेंगे कि किस तरह माउस से हम ड्रॉ करें और उसे गिम्प में किस तरह से अच्छे से हम कलर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक वाटर का डायग्राम बनाया है। इसे पहले आपको पेपर पे हाथ से बनाना होगा। सिंपल, आप इसे हाथ से बना लीजिए और उसे आप स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल से या स्कैनर से, जिससे आपको सहूलियत पड़े। उसके बाद इसे आप गिम्प में ले आए। और यहाँ सबसे पहले हम फिर एक नया लेयर बनाएंगे, जिसे हम ट्रांसपेरेंट के नाम से नाम देंगे। सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट लेयर इसमें बना लेते हैं और ओके करते हैं। और यहाँ पे आप साइड में आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट लेयर पर क्लिक है। तो उसके बाद हम नीचे, हमारा ओरिजिनल इमेज है तो हम ट्रांसपेरेंट लेयर में क्लिक करके फिर ब्रश पे क्लिक करेंगे। ये जो ब्रश दिख रहा है, ब्रश के साइज़ को हम 3 पॉइंट के आसपास कर लेते हैं, 3.5 या 2, जो भी है। इसकी कलर आप ब्लैक चूज़ कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसे जूम कर लीजिए एक्यूरेसी के लिए। अब जहाँ पे आपको डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्लिक करना होगा और शिफ्ट दबा के आगे बढ़ते जाना होगा। क्लिक शिफ्ट, क्लिक शिफ्ट, क्लिक करते जाइए और शिफ्ट दबाते जाइए, तो वो स्ट्रेट लाइन बनते जाएगा। जहाँ आपको गलती लगे आप कंट्रोल जेड दबा के अंडो कर सकते हैं। देखिए इस तरह कंट्रोल जेड दबा के मैंने अंडो किया। क्लिक करते जाइए, शिफ्ट करते जाइए, तो इस तरह से आपका आउटलाइन तैयार हो जाएगा। आउटलाइन हम अच्छी तरह से आप बना लीजिए। उसके बाद जूम करेंगे तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी। हम यहाँ पे अंदर में भी और आउटलाइन बना लेते हैं, शेडिंग के लिए है ये। जैसे ही आपका ये आउटलाइन तैयार हो जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, जहाँ नेसेसरी एरिया है वहाँ पे आप मिटा दीजिए, जो आपको लगता है लाइन जैसे बाहर आ गया है। जैसे यहाँ पे ब्रश की साइज़ आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ मिट चुका है। इस तरह आप आउटलाइन ब्रश के द्वारा बनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं, फिर उसके बाद ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, अब हम एक काम करेंगे, नया लेयर एक और बनाएंगे जिसे हम कहेंगे वाइट लेयर। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए वाइट, और इस पे हम कलरिंग करेंगे, इसलिए इसका नाम देंगे हम कलर। इसे आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। सेटिंग आपको कुछ छेड़ना नहीं है, बस वही। यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट लेयर देख रहे हैं, कलर लेयर देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि ट्रांसपेरेंट लेयर को ड्रैग करके सबसे बॉटम पे ले आएंगे, बेस पे सबसे पहले। तो इस तरह से आपका आउटलाइन वाला इमेज अच्छे से दिखेगा। उसके बाद हम इस तरह एक वाटर ड्रॉप बनाएंगे। तो उस कलरिंग करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस लेयर पे आप बनाएं। तो वाइट लेयर पे बनाएंगे, तो वाइट लेयर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे हम कलर भी सेलेक्ट करेंगे। वाटर ड्रॉप का वैसे कलर हमने ब्लू सेलेक्ट किया है। ओपेसिटी हम 75-70 कर लेते हैं और ब्रश की साइज़ थोड़ी बढ़ा लेते हैं। आप इस तरह से पेंट कर सकते हैं, जिस पे आप खाली ब्रश लेके आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरी जगह पे जिस एरिया पे कलर करना है, पर ये बहुत लेंदी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने सेलेक्ट टूल इस्तेमाल किया है, फ्री सेलेक्ट टूल, और उसके बाद मैं हर जगह पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, बॉर्डर पे, आउटलाइन पे। आप पूरे आउटलाइन को इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए ताकि उसके अंदर हम बकेट फिल कलर यूज़ करेंगे। आप इस तरह से आराम से धीरे धीरे आउटलाइन बनाइए। सिलेक्शन नहीं हो पाया लगता है, कोई बात नहीं। हम चलिए, आपके पास दो ही मेथड है। पहला मेथड ये है कि इस तरह आप कलर कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट करना ज़रूरी है, सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, इस तरह से आप कलर कर सकते हैं। ये तरीका थोड़ा लेंदी है, इससे अच्छा हम फ्री सेलेक्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम फ्री सेलेक्ट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। क्लिक कर करके जहाँ आपको दिक्कत लगे बैक स्पेस दबा के आप अंडो कर सकते हैं। क्लिक करते जाइए और आउटलाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप पूरा आउटलाइन को तैयार कर लीजिए इमेज में, जहाँ जहाँ वो लगता है।
जहाँ आपको दिक्कत है आप अंडो कर लीजिए। इसका एक ऑल्टरनेटिव पाथ टूल, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हम यही इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आपका ये आउटलाइन तैयार हो जाए तो आप बकेट सेलेक्ट करेंगे। बकेट सेलेक्ट करने के बाद जो आपको कलर फिल करना है उस कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ कलर फिल कर दिया है अंदर पे। यहाँ पे हल्का हल्का कलर निकला हुआ, इसका कोई टेंशन नहीं है, हम इसको आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटा सा ये निकला हुआ लाइन, कभी कभी ऐसा निकलता है, तो आप इसको किस तरह हटाएंगे? तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे पैटर्न फिल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिमिलर कलर, और यहाँ पे आप फिल कर देंगे तो ये हट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे कहते हैं डॉज टूल। डॉज टूल में आप साइज अपने हिसाब से ब्रश की बढ़ा लीजिए, और हम यहाँ करते हैं इस हिसाब से आप साइड जहाँ पे आपको डार्कर चाहिए कंट्रोल दबा के आप सेलेक्ट करते जाइए, तो ये डार्क होते जाएगा। अगर आप एक बार क्लिक करके छोड़ देंगे फिर क्लिक करेंगे तो और डार्क होता जाएगा। जितने बार क्लिक करके ड्रैग करते जाएंगे उतना वो डार्क होते जाएगा। तो हमने सिंगल क्लिक किया है अभी, और इसे हम जहाँ डार्कर सबसे पहला शेडिंग लेयर चढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा पहला लेयर चढ़ गया। उसके बाद हम साइड में जिस तरह हमारी परछाई पड़ रही है उस तरह हम डार्क करते जा रहे हैं ताकि एक 3D टाइप का इफेक्ट दिखे। ये हम इधर और डार्क करते जाएंगे। इसी तरह से आपको कलर चढ़ाना है, धीरे धीरे कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से। देखिए इस तरफ हम डार्क कर रहे हैं, कंट्रोल दबा के आप डार्क कर सकते हैं, और सिंपल क्लिक करने से ये थोड़ा ये लाइट कलर होगा, इसका अपोजिट लाइट साइड पे जाएगा। कंट्रोल करने से ये ब्लू का डार्क साइड पे जाएगा। ये हम सिंपल क्लिक किया तो ये लाइट हो रहा है। तो हम यहाँ शेडिंग के लिए थोड़ा सा सिंपल क्लिक करके हम यहाँ पे वो कर देते हैं, और यहाँ भी शेडिंग रहेगा तो हम भी यहाँ क्लिक करके, फिर डबल क्लिक किया तो और लाइट हो गया, फिर ट्रिपल क्लिक किया तो और लाइट हो गया। जितना हो सके आप क्लिक करेंगे उतना लाइटर होता जाएगा। यहाँ हम शाइन दिखाना, सूरज की रोशनी है जो भी है शाइन दिखाना चाह रहे हैं लाइट। और उसके बाद हम यहाँ पे और सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर को लाइट करने डार्क करने का वो देखते हैं डार्क करके, और यहाँ हम साइड में और डार्क कर देते हैं थोड़ा सा। ये ठीक तो है। उसके बाद तो ये डार्क सेलेक्ट कर लिया हमने और डार्क कर लिया। हाँ खैर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से अब सेलेक्ट करेंगे स्मच। स्मच टूल से हम शेडिंग कर सकते हैं, ये कलर को थोड़ा मिक्स कर देता है ठीक से और लाइट करता जाता है साइड साइड पे कलर पे। आप जिस तरह आप देख रहे हैं, शेडिंग करने के लिए बहुत बेटर टूल है ये, और मेरा एक फेवरेट टूल है ये। देखिए किस तरह से ये शार्प एरिया को धीरे से ब्लर कर रहा है। देखिए शेडिंग करने के लिए बेस्ट टूल है ये, आपको जहाँ अप्रोप्रिएट लगे आप वहाँ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखिए मैं जिस तरह से स्मच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाइट कलर उस तरफ खींचता चला जा रहा है। आप चाहें खींच के आप बाहर बाउंड्री तरफ कर सकते हैं तो ये कलर वापस ही रहेगा, जैसे कि कहीं कहीं कलर छूटा हुआ है साइड साइड पे, आप वहाँ फिल कर सकते हैं। हम डार्क एरिया को यहाँ पे चलाते जाएंगे तो ये थोड़ा कलर मिक्स होता जाएगा ठीक से, और एक शेडिंग तरह इफेक्ट दिखेगा, शेडिंग की तरह। यहाँ पे भी हम लाइट एरिया पे थोड़ा सा वो कर लेते हैं स्मच का इस्तेमाल। इसमें गिम में ये करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के मुकाबले। सिंपल पेंटिंग इसमें आप थोड़ा आपको आसानी पड़ेगा, इसमें बेसिक्स जो है आप आसानी से सीख सकते हैं। देखिए जहाँ कलर आपका छूटा है उस तरफ आप स्मच टूल का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ कलर फिल नहीं वहाँ चढ़ जाएगा। हम यहाँ ब्रश लेते हैं और थोड़ा डार्क करते हैं, नहीं ये नहीं खास नहीं है ठीक है। अब हम
इस तरह भी डार्क करते हैं। वैसे इस कलर में मैच नहीं कर रहा, उतना मज़ा नहीं आएगा, हटा देते हैं। आपको जैसा आप फील करना चाहे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, हल्का सा डार्क, जो दिख नहीं रहा है वो कंट्रोल दबाने से और कंटिन्यू क्लिक करते रहने से ही वो दिखेगा। देखिए हल्का हल्का दिखना चालू हो गया। आप और अपने हिसाब से शेडो डाल सकते हैं वहाँ पे, जो भी है। खैर हम इसी तरह से करेंगे। खैर ये वीडियो थोड़ी लंबी है, पर मैंने इसे फास्ट नहीं बनाना चाहता। हम इसी तरह स्मज टूल का और डॉज टूल का इस्तेमाल करते रहेंगे निखारने के लिए हमारी पेंटिंग को। तो हम इसी तरह धीरे धीरे इस पे स्मज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कलर बाहर निकल रहा है, तो कंट्रोल जेड दबा के आप अंडो कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इस तरह से आप शेडिंग करते जाइए। स्मज टूल बहुत ही बेस्ट टूल है शेडिंग के लिए। यहाँ पे भी देखिए कलर वो दिख रहा है, इसे भी हम फिल कर लेते हैं। देखिए अभी थोड़ा बहुत वाटर ड्रॉप टाइप का लग ही रहा है। उसके बाद हम ये हमने आखिरकार अपना कलरिंग कर लिया है, लेकिन हम थोड़ा सा इस पे और लाइटनिंग देंगे और यहाँ ऊपर में हम थोड़ा सा एक शाइन दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा स्मज टूल का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे भी हम स्मज टूल चलाएंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ताकि इसकी लाइट दिखे यहाँ पे, रोशनी, ठीक है। और इसे हम स्मज टूल से शेड कर लेंगे ठीक से, ताकि एक ओरिजिनल टाइप का इफेक्ट दिखे। ब्रश का साइज़ आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको सहूलियत लगे। और इसी तरह आप करते रहिए, हड़बड़ी मत कीजिए, आराम से इस तरह आप फैला सकते हैं स्मज टूल से। और ये लगभग होने वाला है। चलिए ये हो गया। खैर उसके बाद आप हमेशा याद रखेंगे कि ये कलर वाला लेयर वाइट लेयर पे ही करेंगे, ट्रांसपेरेंट लेयर लेयर पर क्लिक करके नहीं करेंगे, जिस तरह यहाँ पे कलर पे सेलेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हल्का सा ब्लू कर देते हैं, ताकि यहाँ पे भी हल्का सा शेडिंग टाइप का इफेक्ट लगे। आप यहाँ देखिए वाइट को आप अंदर की ओर धकेले तो ये वाइट हल्का सा ब्लू ऊपर चढ़ता जाएगा। इसी तरह बाहर साइड में भी जहाँ कलर हल्का हल्का निकला हुआ है वहाँ ब्लू को धकेलिए स्मज टूल से। खैर लगभग हमारा वाटर ड्रॉप तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह पेंट करेंगे। ओके चलिए अब इसमें हम एक काम करते हैं, इसका जो हाइलाइटिंग दिख रहा है उसे हम हटा देते हैं। अल्फा सिलेक्शन पे आप सेलेक्ट करके इसे हटा सकते हैं। उसके बाद आप इसको अनव्यू कर दीजिए और कलर लेयर को सेलेक्ट करके कलर टू अल्फा में सेलेक्ट कर लीजिए। इससे हम ट्रांसपेरेंट लेयर बनाएंगे। ओपेसिटी थ्रेशोल्ड अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए, जब तक आपको इमेज अच्छा दिखने ना लगे और पीछे का वाइट बैकग्राउंड हट ना जाए। मैं यहाँ कंप्लीट ज़ीरो कर देता हूँ, ताकि मुझे तो क्लियर ही लग रहा है पूरा। उसके बाद ओके कर लीजिए। उसके बाद इसी में राइट क्लिक करके फाइल एडिट, यहाँ पे जाएंगे आप फाइल में एक्सपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट में जाएंगे और इसे हमेशा पीएनजी में आप एक्सपोर्ट करें, क्योंकि यूनिटी में पीएनजी सबसे बेस्ट फॉर्मेट है इमेज के लिए। तो हमें वाटर ड्रॉप का नाम दे देते हैं और इसे हम नाम पीएनजी कर देते हैं। पीएनजी पे आप इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए। यहाँ की जितनी भी सेटिंग्स हो मत छेड़िए, सब सही है, आप सीधा इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए। और ये आपका पीएनजी एक्सपोर्ट हो गया। अब जहाँ पे ये सेव हुआ है हम उसे देखेंगे और अपने हम यूनिटी खोल लेते हैं एक तरफ।
हम चलिए यूनिटी को खुलने देते हैं, और ये हमारा यूनिटी खुल गया। यूनिटी वैसे टाइम लेता है लोडिंग होने में। खैर, हमारा यूनिटी खुल रहा है और हम जहाँ हमारे इमेज सेव है हम उसे वहाँ देख लेते हैं। ये हमारा वाटर ड्रॉप, आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप करके अपने हिसाब से। मैंने क्रॉप करना नहीं बताया है, इसे अब हम यूनिटी पे ड्रैग करेंगे। चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ किस तरह इस पे ट्रांसपेरेंट लेयर एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप 2D कर लीजिए जो भी है। यहाँ पे एक UI बना, जिसे कहते हैं इमेज, आप इमेज बना लीजिए। इमेज में यहाँ पे इंस्पेक्टर पे सोर्स इमेज दिख रहा होगा आपको राइट साइड पे, जो यहाँ पे इंस्पेक्टर है। उससे पहले आप यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप इस वाटर ड्रॉप को ड्रैग कर लीजिए यूनिटी के इस एसेट्स एरिया पे। ये हमारा आ गया। अब यहाँ इमेज पे जाके, जो आपको इंस्पेक्टर पे राइट साइड पे सबसे पहले, हाँ इसे एडिट करना ज़रूरी है। इसे आप स्प्राइट 2D एंड UI में सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे जाके आप, और इसमें कुछ सेटिंग नहीं, हाँ अप्लाई कर लीजिए। ओके, अब ये ट्रांसपेरेंट बन गया आपका। उसके बाद आप यहाँ पे सोर्स इमेज पे जाके वाटर ड्रॉप को आप ड्रैग कर लीजिए। ये आपका ट्रांसपेरेंट इमेज आ गया है। इसी तरह आप यूनिटी पे ट्रांसपेरेंट इमेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसी तरह आप बना सकते हैं। और ये देखिए, आप इसे क्रॉप कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट इसे किया है। आप इसे क्रॉप कर लीजिए अपने हिसाब से, चाहे तो आप गेम से ही क्रॉप कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने से पहले ही। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आखिरी तक। तो इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।